महानगर को डेंगू के प्रकोप से बचाने के लिए नगर निगम लगातार फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव कर रही है, जिससे लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके। जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि डेंगू का प्रकोप महानगर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसको देखते हुए नगर निगम ने डेंगू के रोकथाम के कार्रवाई में तेजी लाई, जिसको देखते हुए डेंगू की बीमारी अभी काफी नियंत्रण में हो गई है। उन्होंने कहा कि अभी भी शेखपुर, बसंतपुर, मिर्जापुर, इलाहीबाग में डेंगू के लार्वा, डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में लगातार एंटी लार्वा चूना और मेलेथान का छिड़काव कराया जा रहा है। इसके साथ ही नाला और नालियों में भी पानी ना रुके, इसके लिए नालियों का सफाई कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोहल्ला निगरानी समिति के द्वारा पार्षदों से क्लोरीन की दवाइयाँ अपने वार्डो में बंटवाया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अपने घरों के आसपास जैसे कूलर, गमला, टायर, ट्यूब, इन जगहों पर पानी इकट्ठा ना होने दें, इनका देखरेख करते रहें और घर में साफ सफाई पर ध्यान दें और फुल आस्तीन का कपड़ा पहने, जिससे कि मच्छर काटने से शरीर पर कोई असर ना पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जो डेंगू की बीमारी है वो आज से 15-20 दिन पहले नगर निगम गोरखपुर के क्षेत्र में और जनपद के विभिन्न ग्रामीण अंचल में बहुत तेजी से बढ़ी थी, लेकिन जिस तेज़ी से डेंगू की बीमारी बढ़ी उसी तेज़ी से नगर निगम ने अपनी निरोधात्मक कार्रवाई, जो अपनी इसके रोकथाम से जुड़ी हुई जो कार्रवाई थी उसमें बहुत ही तेज़ी ले आई और उसकी वजह से आज की तारीख में जो डेंगू की बीमारी है काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। हमारे पास जो है, हम लोग डेली सुबह जो ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही संवेदनशील हैं, जहां पर डेंगू के लार्वा पाए जा रहे हैं, जहां पे डेंगू के पेशेंट पाए जा रहे हैं, जैसे शेखपुर है, बसंतपुर है, इलाहीबाग है, मिर्ज़ापुर है आदि, इन क्षेत्रों में जो है हम लोग लगातार मॉर्निंग में जो हमारे पास एंटी लार्वा है उसका छिड़काव, चूना और मेलाथियन के डस्ट का छिड़काव, साथ ही साथ जो सोडियम हाइपोक्लोराइट की जो हमारे पास गाड़ियां हैं उन पे हम लोगों ने मशीन लगाकर उसके माध्यम से लगातार छिड़काव कर रहे हैं। और इधर हम लोगों ने जहां लगातार शाम के टाइम जो है फॉगिंग हो रही थी, हमारे पास साइकिल वाली और गाड़ी वाली भी फॉगिंग मशीनें हैं, अब हम लोगों ने कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में तेज़ी लाने के उद्देश्य से दिन में भी जो है हम फॉगिंग करा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है हमने क्लोरीन की जो दवाइयां हैं और जो शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पे विशेष जोर दिया है, जहाँ कहीं छठ में की पूजा में कृत्रिम जो है पौंड बनाए गए थे, तालाब बनाए गए थे और उसके बाद उसमें पानी रह गया था, उन सभी जगहों को भरवा कर उसमें मिट्टी डाल के पटवा दिया गया है, जिससे कि इन पानी में जो डेंगू के लार्वा पनपने न पावें। इसके साथ ही साथ जो है हम लोग लगातार इस बात की सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारे नाले हैं, नाली हैं, कहीं पे पानी रुकने ना पावे, पानी लगातार बहता रहे, इसीलिए इनकी सफाई पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं कि जो है कहीं पर भी नालियां जाम ना हो, नाला जाम ना हो। इसके साथ ही साथ फॉगिंग पर विशेष प्रयास चल रहा है, हमने मोहल्ला निगरानी समिति के माध्यम से जो हमारे सम्मानित पार्षदगण हैं उनका भी सहयोग लगते हुए जो क्लोरीन की दवाइयां बंटवा रहे हैं एक पैकेट लेकर, जहां जहां इस प्रकार के मरीज पाए जा रहे हैं, साथ ही लोगों के भीतर डेंगू का जो भय व्याप्त हो गया है उसको दूर करने के उद्देश्य से, और डेंगू की बीमारी के क्या लक्षण हैं, डेंगू की बीमार हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए, उसके संबंध में जो पंपलेट्स हैं हम अपने समस्त पार्षदगण और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में बंटवा रहे हैं। और इस वक्त जो नगर निगम की टॉप टू बॉटम जो अधिकारियों की, कर्मचारियों की जो फोर्स है उसको पूरी तरह से एक जो टॉप प्रायोरिटी वाला कार्यक्रम है वो है संचारी रोगों का, जो संबंधित जो बीमारियां हैं उनका निस्तारण करना, उनका निराकरण करना, उनसे जुड़ी हुई जो जो भी एक्सरसाइज है उसको युद्ध स्तर पर लागू करना। तो अब जो हमारा इस वक्त डेंगू की जो बीमारियां हैं, कल भी देख रहे हैं, इस वक्त हमारे पास टोटल जो शहरी क्षेत्र में 123 जो है डेंगू के पेशेंट हैं और लगातार उनका इलाज चल रहा है, और हम जो संभावनाएं देख रहे हैं जिस प्रकार से एक्सरसाइज चल रही है आने वाले कुछ दिनों में डेंगू पे हम पूरी तरह से नियंत्रण पा लेंगे। लोगों से मैं सबसे महत्वपूर्ण अपील तो यही करना चाहूँगा कि वो अपने घरों के आसपास कहीं पर भी पानी ना इकट्ठा होने दें, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है कूलर में, जैसे गमलों में, या फिर जो टायर ट्यूब आदि जगहों पर, या कुछ टिन के छत पे के ऊपर जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, घरों के आसपास कहीं पर भी घर के अंदर गंदगी है उन जगहों पर ख़ास तौर से डेंगू के लार्वा पनप रहे हैं। इसके साथ साथ हम सबसे अनुरोध करना चाहेंगे, आप लोग जहाँ पर भी जाएँ फुल आस्तीन की जो शर्ट है उसका इस्तेमाल करें, कोई भी शरीर का अंग जो है कम से कम अंग हमारा खुला रहे, जिससे कि मच्छर के काटने
पे कोई विपरीत असर ना पड़ने पाए। तो सबसे चीज़ है कि जरूरी चीज़ है कि हम सफाई और पानी का इकट्ठा ना होने दें।